नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिंकू, आप देख रहे हैं रेगा फ्लिक इन्फो। अगर आपके मन में कभी भी ख्याल आया कि शिबा इनू कॉइन एक रुपये हिट हो जाएगा, एक डॉलर हिट हो जाएगा, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे ऐसे सॉलिड प्रूफ बताने वाला हूं जिनसे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि सच में शिबा इनू कॉइन कभी भी एक रुपये या एक डॉलर हो सकता है। हो सकता है तो क्यों हो सकता है, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। बहुत सारे रीजन हैं। एंड सिंपली आज भी अगर आप शिबा इनू कॉइन में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आप इन्वेस्ट ना करें या फिर कर भी दें। हो सकता है कि आपके पास जो शिबा इनू कॉइन है आप उसको होल्ड करें या सेल कर दें। मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ना तो खरीदने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ ना ही बेचने के लिए। सिंपली जो बहुत सारे ऐसे फैक्ट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या सच में मेरे पास जो डॉज कॉइन थे उनसे क्या मैं अरबपति बन सकता था? क्या आप भी अरबपति बन सकते हैं जो शिबा इनू टोकन है उससे आने वाले टाइम में? सो मैं खुद का भी जो डेटा है ना वो आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं कि जो शिबा इनू कॉइन है उसमें एकदम इतना जो मैसिव पंप है वो देखने के लिए क्यों मिला, इसका रीजन क्या है मैन। तो रीजन जानने से पहले थोड़ा सा एक बार यहाँ मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। यहाँ ओपन कर लेते हैं इस कैंडल को। यहाँ पे इस कैंडल को ओपन क्यों किया वो भी बात करेंगे 24 तारीख की। आपको पता है यार ट्विटर पे फेक दुनिया कितनी है। कोई बात नहीं, एक फेक अकाउंट था शिबा इनू का और उसने पूछा एलोन मस्क से कि आप ये बता दीजिए फटाफट से कि आपके पास जो शिबा इनू कॉइन है उसकी होल्डिंग कितनी है या कितना होल्ड आपने कर रखा है। तो वो टोटली मना कर देते हैं कि नहीं है। और जैसे ही वो ये लिखते हैं जो प्राइस है सिंपली वो अच्छा खासा चल रहा था, लगभग 0.00 आप कैलकुलेट कर लेना, 4383 के समथिंग, 4383 के समथिंग, और वो ड्रॉप हो जाता है लगभग 3291 के समथिंग। लेकिन ये ड्रॉप तो होता है कुछ समय के लिए, लेकिन यहाँ पे उसके बाद में ये सिंपली यहाँ पे धीरे 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 यहाँ पे ओल्ड टाइम हाई बना देता है। तो यहाँ पे ये ओल्ड टाइम हाई कैसे पॉसिबल हुआ? क्या हमारे द्वारा हुआ, वेल्स के द्वारा हुआ, टीवी चैनल्स के द्वारा हुआ, आर्टिकल्स के द्वारा हुआ, किसके द्वारा हुआ, ये कैसे हो पाया? ये हो पाया पूरी कम्युनिटी के द्वारा, जो शिबा इनू की कम्युनिटी है वो। देखो यहाँ पे जो मेरा माइंडसेट कहता है वो, देखो रॉबिन हुड इन सब के बारे में आप ऑलरेडी जान चुके होंगे कि रॉबिन हुड पे लिस्ट होने के लिए वहाँ पे जो सिग्नेचर वो हो रहे हैं। सो वो सब मैं बात नहीं करूँगा, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल जो अपडेट्स हैं उनके बारे में बात करूंगा। सो यहाँ पे जो प्राइस इंपैक्ट हुआ है ना इतना ज्यादा, यहाँ पे टोटली जो वेल्स है ना उन्होंने एंट्री की है। और यहाँ पे जो शिबा इनू कॉइन है ना उसका एक और जो डेटा है ना वो बहुत ही ज्यादा आपको शॉक कर देगा। यहाँ पे शिबा इनू कॉइन है ये, आप भी ये देख सकते हैं ईथर स्कैन पे आके। सो यहाँ पे अगर होल्डर्स की बात की जाए ना तो ये बहुत गलत है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप होल्डर्स देखेंगे ना, ये कुछ होल्डर्स हैं यहाँ पे, लगभग मैं आपको बताऊं यहाँ पे आप यहाँ तक मान लीजिए लगभग 23 ओके 25 तक मान लीजिए, ये जितने भी होल्डर्स हैं ना आप ये देखो एक ही वॉलेट में 41% टोटल सप्लाई। अगर यहाँ पे थर्ड नंबर पे बात की जाए तो यहाँ पे 4.5% के समथिंग है। वॉलेट के नाम भी लिखे हुए हैं कि बाइनेंस का 8 नंबर का वॉलेट है, होबी का है, यहाँ पे सब कुछ है डिटेल में है। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज है ना उनके पास ही भर भर के कॉइन धरे हुए हैं। अगर ये खुद सेल करेंगे तो यही खुद मार्केट को सिंपली डंप कर सकते हैं, पंप कर सकते हैं, और जो यहाँ पे यूजर्स हैं उनका लॉस किसका होगा, जो नए यूजर्स हैं जो हाइप में आके खरीद रहे हैं। देखो मैं आपको शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, मैं सिर्फ मेरा यहाँ पे जो पिछला एक्सपीरियंस रहा है डॉज कॉइन के साथ वो आपको शेयर कर रहा हूँ। और मेरा अगर अकाउंट ओपन हो जाएगा तो जब मैं ये वीडियो एडिटिंग करूंगा तो लास्ट में मेरा जो सेकंड अकाउंट है ना उसका आपको डेटा दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको ऑर्डर्स में लेके चलता हूँ, ये मेरा एक सेकंड अकाउंट है, क्योंकि मैं हमेशा ही दो अकाउंट बना के चलता हूँ। एक अकाउंट में कुछ भी हो जाए एटलीस्ट तो दूसरे अकाउंट में फंड रहे। सो यहाँ पे भी मैंने थोड़ा बहुत तो ट्रेड किया ही है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने सिर्फ इस अकाउंट में गिने चुने कॉइन्स में ट्रेड किया है। यहाँ पे जब मैं ट्रेड करता ना डोज कॉइन को तो 0.00 आप कैलकुलेट कर लो यहाँ पे कितने जीरो हैं, और यहाँ पे 30 के समथिंग प्राइस था, ठीक है। और भी मैंने यहाँ नीचे बाय किया था, 21 में भी मैंने बाय किया था, मतलब मैंने ना इसमें बहुत डिप में भी बाइंग की है, बहुत ही डिप में। तो अगर आज आप डोज कॉइन का बिटकॉइन के फॉर्म में भी प्राइस देखते हैं ना तो आपको आज जो बिटकॉइन के फॉर्म में प्राइस प्रेजेंट में चल रहा है वो 0.00557 के समथिंग चल रहा है। तो आप क्या सोच सकते थे जब मैंने ये खरीदा था या आपने जब खरीदा हो कि डोज कॉइन क्या ऐसे कर सकता था? मेरे पास करोड़ों में मैंने डोज कॉइन की क्वांटिटी सिंपली परचेज किया, इसमें भी लाखों में अगर आप यहाँ पे जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को यहाँ देखेंगे, क्वांटिटी वाला सेक्शन ही है ना,
ये रहा क्वांटिटी मतलब मात्रा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप इस सेक्शन को भी देखेंगे ना, तो लाखों कॉइन्स के मैंने सिंपली यहाँ पे जो बाय है वो की है। लेकिन उस समय मुझे लगता था कि नहीं यार, डोज कॉइन में शायद नहीं होगा। मैं इतना समझता था कि ये 50 पैसे हो सकता है, शायद 30 पैसे भी हो सकता है। उस बेस पे मैंने सिंपली यहाँ पे इनको होल्ड किया था। लेकिन एक दिन अचानक मन में ख्याल आता कि यार बेच के इसको टोटली इथेरियम में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैंने इथेरियम कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद में सिंपली उसको होल्ड रखा, फिर अच्छा खासा सब कुछ बैलेंस बन गया। लेकिन अगर सिंपली मेरे पास आज डॉज कॉइन होता, तो इथेरियम से ज़्यादा तो सिंपली मुझे डॉज कॉइन रिटर्न दे जाता। अब सिंपली देखो, ये एक डेटा है, ये हमेशा सही नहीं होता है। मेरी कंडीशन में मानो कि मैं बहुत पैसे कमा सकता था, मैंने शायद मिस कर दी वो अपॉर्चुनिटी। हो सकता है कि शिबा इनू के बारे में ये जो सिंपली पूरी थ्योरी है मैंने बताई, ये उल्टी पुल्टी हो जाए, पूरा सिस्टम ही गलत हो जाए। क्योंकि हर चीज का एक समय आता है। जैसे डोज कॉइन आपने देखा होगा कितना हाइप हो गया था एकदम से, मतलब एकदम हाइप क्रिएट हो गया था फुली डोज कॉइन का, और डोज कॉइन ने एक मैसिव रैली हमको देखने के लिए दिखाई थी, आप लोगों को ये पता है। लेकिन एक टाइम ऐसा है कि डोज कॉइन वापस से डंप हो गया, जान पूछ के डंप करवा दिया। तो एक टाइम हो सकता है ऐसा है कि जो शिबा इनू कॉइन है ना, वो भी डंप हो जाए काफी अच्छा। देखो मैं हमेशा ये देखता हूँ कि सेफ जोन कौन सा है। अब सिंपली बात करें इसके बाइंग जोन की, यहाँ पे अगर मैं वेट करूंगा, मैं खुद की एंट्री की बात कर रहा हूँ, तो 0.00 आप कैलकुलेट कर लीजिए, 33 या 23 के समथिंग, 23 या 33 के समथिंग मैं इसको बाय करने ही सोचूंगा। बस इससे ज्यादा मैं इसमें एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। अब मेरे क्या ओपिनियन है, मेरे क्या व्यू पॉइंट्स है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देख, अब बात करते हैं कि ये क्या 1 रुपए 1 डॉलर हो सकता है। तो 1 डॉलर तो दूर की बात है, अगर 1 रुपए की भी बात की जाए, प्रेजेंट की जो करंट जो सप्लाई है ना, सर्कुलेटिंग जो सप्लाई है उसकी, 1 डॉलर की बात नहीं कर रहे, 1 रुपए की बात कर रहे हैं। USDT में बनता है 0.013, अगर आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे करंट सप्लाई से, तो आपको लगभग 6 ट्रिलियन डॉलर के समथिंग ऑलमोस्ट मार्केट कैप चाहिए। टोटल जो मार्केट कैप है बेचारा वही 2.5 ट्रिलियन डॉलर है। अकेला इसके पास मार्केट कैप 6 ट्रिलियन डॉलर का होना चाहिए। अगर आप 1 रुपए भी देख रहे हैं तो 6 ट्रिलियन मार्केट कैप, मतलब आपको कोई मजाक लग रहा है कि जो 6 ट्रिलियन मार्केट कैप है वो बहुत ईजी ही अचीव हो जाएगा। ऐसे नाम छोटा सा लगता है 6 ट्रिलियन, लेकिन बहुत बड़ा है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा थोड़ा सा, तो डेटा दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो एप्पल है वो 2.46 ट्रिलियन उसका टोटल मार्केट कैप है। माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी है, गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, अमेजोन इतनी बड़ी कंपनी है। तो आप थोड़ा सा ना माइंड सेट लगाओ अपना, प्लीज। कोई आपको कुछ भी बोलता है उस पर थोड़ा सा लगाम लगाओ आप। लेकिन हाँ, आप अगर चाहें तो होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, $10 $20 का ऐसा पैसा जो कल को जीरो भी हो जाए ना, तो आपके फंड पे इम्पेक्ट ना करे। ऐसा पैसा नहीं कि भाई साहब $100 था, पूरा $100 भर के आपने शिबा इनू कॉइन में लगा दिया और वो डंप हो गया, और आप बाद में सोच रहे हो कि यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। आप ऐसा ना सोचें। तो इसीलिए प्लीज, ऐसा पैसा जो आपका लॉस हो जाए तो आपको बिल्कुल फर्क ना पड़े, कोई इंपैक्ट ना हो आपके पोर्टफोलियो में, आपका जो पोर्टफोलियो उसका 10% 5% और वो वैसा पैसा जो कल को जीरो हो जाए तो आपको इंपैक्ट ना करे। लेकिन इस प्राइस में बिल्कुल नहीं, आप वेट कीजिए, मैं अपने टेलीग्राम में भी आपको एंट्रीज दे दूंगा। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है और अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। मैं मिलूंगा एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।